हेलो फ्रेंड्स, आप सबका मेरे चैनल सभ्यता किड्स में फिर से स्वागत करती हूँ। हर सुबह की तरह आज का सुबह भी कुछ खास है, कुछ खास होना चाहिए हम सब के लिए, क्योंकि हर दिन एक नया शुरुआत होता है। नया शुरुआत के साथ में आज का ये छोटा सा ब्लॉग मैं स्टार्ट करने जा रही हूँ, देव का फन, देव का एक्टिविटी और कुछ कुछ रेसिपी के साथ में। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का मेरा ये छोटा सा ब्लॉग। देव और मैं ना साथ में ही नाश्ता कर लेते हैं कभी कभी, इसीलिए मैं देव का और मेरा साथ में ही नाश्ता लाए हैं। यहाँ पर सिमई का उपमा है, रोटी है और यहाँ पर दालमा बनाई हूँ और साथ ही देव के लिए यहाँ पर मिल्क भी लाई हूँ। देव को जूस पीना है इसलिए मैं घर में टैंग रखी हूँ और उसको मैं पाउडर उसको मैं बना के जूस दे देती हूँ। कभी कभी पानी थोड़ा कम पीता है तो इसीलिए स्पून भी लेके आ गया है और यहाँ पर जूस बनाई हूँ और साथ में उसको मैं दे रही हूँ छोटा सा ग्लास में। तो जूस पीना देव को बहुत ही पसंद है। हाँ पी लो, जूस पी लो, गिर जाएगा गिर जाएगा। नहीं आप इसको पहले पियो पियो। टेस्टी, यम्मी यम्मी यम्मी, बोलो यम्मी बोलो यम्मी। हाँ मामा, ये मामा ये पी लेगी, मामा ये पी लेगी, मामा पी लेगी, ठीक है। तो आप लोग देखिए यहाँ पर थोड़ा सा ही खाया है और दौड़ के चले गया है गेट के पास में। अब मुझे उसका पीछे पीछे दौड़ा दौड़ा के खिलाना पड़ेगा। बदमाश देव, बेटा इधर आ जा। और आप लोग देखिए अभी इसका मस्ती जो है स्टार्ट हो चुका है। अभी झाड़ू लेके झाड़ू कर रहा है सामने में, मेरे को थोड़ा मदद कर रहा है। चलो अच्छा है, मेरा बेटी नहीं है तो बेटा ही बेटी का काम कर रहा है। ड्रमस्टिक है, इसको मैं बनाऊंगी सब्जी आलू के साथ में। इसको मैंने हल्दी और नमक के साथ में इसको 10 मिनट के लिए मैं इसको उबाल लूँगी और साथ ही मैंने एक मसाला रेडी कर दिया, मसाला जो है रेडी कर रही हूँ। यहाँ पर आधा चम्मच सरसों और एक प्याज, दो ग्रीन चिली और कुछ कलिया लहसुन मैंने यहाँ पर लिया है। इसको एक स्मूथ पेस्ट बना लूँगी मसाले के लिए। जिस कढ़ाई में मैंने बॉईल किया था उसी में मैं सब्जी में कुक कर लूँगी। साथ ही मैंने जीरा का छौंका के साथ में प्याज आधा टुकड़ा मैंने काट के रखा था उसको मैंने इसमें डाल दिया है और हल्के हाथों से इसको मैं फ्राई कर लूँगी। जैसे ही प्याज जो है फ्राई हो गया है इस पे मैंने जो पेस्ट बना के रखा था उसको मैंने इसमें डाल दिया है और हल्के हाथों से मैं इसको चलाते रहूँगी क्योंकि सरसों जो है नीचे लग जाएगा कढ़ाई में तो चिपक जाएंगे तो बिटर टेस्ट हो जाएगा, अच्छा नहीं लगता है। और ये सब्जी जो है बहुत ही जल्दी पक जाता है तो इसको खाने में बहुत टेस्टी लगता है। साथ ही मैंने इसमें हल्दी आधा चम्मच, उसके साथ ही मैंने कश्मीरी रेड चिली पाउडर आधा छोटी चम्मच मैंने इसमें डाल दिया है। साथ ही थोड़ा सा नमक इसमें डाला है, नमक मैं पहले भी डाली थी इसलिए कम ही इसमें डाली हूँ। और इसको हल्के हाथों से फिर से और एक बार इसको मैं मिला लूँगी। यहाँ पर मसाला जो है लगभग 5 मिनट का अंदर में हो गया है और जो मैं बॉईल करके रखी थी ये ड्रमस्टिक और आलू इसको मैंने इसके ऊपर में डाल दिया है और इसको अच्छे से मिला देंगे। मिलाने के बाद में इसको थोड़ा देर के लिए ढकने से पहले इसमें मैं ना एक सूखी आम भिगा के रखी थी दो पीस, उसको मैंने इसमें डाल दूंगी। मैं इसमें टमाटर नहीं डाली हूँ क्योंकि इस जो सब्जी है थोड़ा सा खट्टा ही अच्छा लगता है तो मुझे पसंद है, इसीलिए मैंने यहाँ पर आम का जो सूखी आम था इसको मैंने भिगा के इसमें डाल दिया है। लगभग यहाँ पर 8 से 10 मिनट का अंदर में आप लोग देख सकते हैं मेरा सब्जी जो है पूरा एकदम रेडी हो चुका है। इसको और थोड़ा सा इसको मैं मिला दूंगी क्योंकि मेरा पहले से दालमा बना हुआ है इसीलिए मैं और इसको ज़्यादा झोल जो ग्रेवी है उसको मैं नहीं रखूंगी। ऊपर से मैं थोड़ा सा धनिया का पत्ता गार्निश कर लूँगी और थोड़ा सा मिलाने के बाद में इसको मैं गैस का फ्लेम जो है बंद कर दूँगी। हमारा सब्जी जो है यहाँ पर रेडी हो चुका है और इसका स्मेल जो है, सेंट जो है, बहुत ही खुशबू इसका बहुत अच्छा आ रहा है। देव के लिए मैंने यहाँ पर अंडे के साथ में थोड़ा सा राइस मिला के हल्दी एक पिंच और नमक के साथ में
इसमें मिला के मैं एक हेल्दी ओमलेट टाइप का बनाऊंगी और देव को खिलाने के लिए। यहाँ पर मैंने तवे में थोड़ा सा सरसों का तेल लिया है और इसको अच्छे से मैं थोड़ा सा स्प्रेड कर दूंगी। उसके बाद मैं जैसे ही ओमलेट बनाते हैं मैं उसे ही सेम टू सेम बना लूंगी। ये थोड़ा सा हेल्दी होता है और हेवी भी होता है, तो देव को मैं कभी कभी ऐसे बीच बीच में बना के देती हूँ और उसको पसंद है तो मैं ऐसे ही उसको बना के कभी कभी खिला देती हूँ। और यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं मेरा जो ऑमलेट जो है वहाँ पर हो गया है। और इसको मैं हल्के हाथों से उलटते पुलटते मैं इसको दोनों तरफ अच्छे से सेक लूँगी ताकि अंदर से जो है पक जाए। थोड़ा थोड़ा सा मोटा है इसीलिए इसको थोड़ा सा मैं ढक के ही बना रही हूँ, वरना ऑमलेट तो ऐसे ही फटाफट बन जाता है एक मिनट के अंदर में ही। सो फ्रेंड्स, देव के पापा ना कल रात को एक आइसक्रीम लेके आए थे कोन, मैं बोली थी, तो देव को बहुत पसंद है आइसक्रीम खाना। वो एक्चुअली रसमलाई टाइप का एक स्वीट था, उसको खा लिया आइसक्रीम समझ के और मैं इसको लाई हूँ। अभी दोनों जन खाएंगे, खाएगा बेटा। देखो देखो कैसे हो रहा है, देखो। अरे निकालने दो मुझे, लाओ देव मुझे दो थोड़ा सा। लंच टाइम में देव के लिए मैं यहाँ पर एज यूजल जो घर में बनाती हूँ वही लाई हूँ, दालमा के साथ में भात और जो सब्जी बनाई थी और साथ में मैं प्रॉन उसके लिए फ्राई की थी उसी को मैं अभी देव को खिलाऊंगी। और हमारा लंच में मैं एज यूजल जैसे दिखाई वैसे ही है, सब्जी और दालमा, इसको मैं खा लूंगी। और इवनिंग का टाइम में हम लोग का ना SSG ग्रुप में एक मीटिंग हुआ था, हम लोग बैठे थे यहाँ पर सब कोई हमारे मेम्बर्स हैं ग्रुप के। और इवनिंग में मैं देव के लिए यहाँ पर दलिया बनाई हूँ, दलिया देव को पसंद है तो दलिया का खिचड़ी सिंपल सा बनाई हूँ दाल के साथ में और मैं इसमें थोड़ा सा गाजर डाली हूँ। सो फ्रेंड्स, चलिए आज का मैं ये डेली ब्लॉग यहीं पर ख़त्म करती हूँ। देव एक्चुअली देव का डिनर जो है ख़त्म हो चुका है। मैं आप लोगों को जैसे देखिए दिखाई मैं जैसे आप लोगों को दिखाई मैं दलिया रात को बनाई थी उसको खिलाने के लिए, तो वो खा वो गेस्ट हो गया है। तो आज का डेली ब्लॉग मैं यहीं पर ख़त्म करती हूँ। आई होप ये छोटा सा डेली ब्लॉग आपको पसंद आया हो। अगर पसंद आया हो तो एक लाइक जरूर कर दीजिए और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। और मिलते हैं और एक प्यारा वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।